हेलो, वेलकम टू जनता का रिपोर्टर इंटरव्यू। आज हमारे साथ एक बहुत ही डिफरेंट गेस्ट हैं। शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। ये हैं जसलीन कौर। 23 अगस्त को आप लोगों ने देखा होगा कि एक खबर जो मीडिया में बहुत बड़ी बनकर उभरी, वो खबर थी कि जसलीन कौर नामी एक लड़की जिसने कंप्लेन किया था कि किस तरह से एक लड़के ने उसके साथ गंदी जबान में और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया था, एंड शी वॉज़ वेरी वेरी पीव्ड अबाउट इट। मामला आगे बढ़ा और बहुत जल्दी ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल कलर ले गया। हुआ ये कि लड़के की माँ ने एक स्टेटमेंट दिया कि शी इज़ अब्यूजिंग हर कनेक्शंस विद दी आम आदमी पार्टी, और इनके आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से DCW वाले भी एक्टिव हैं और दूसरे भी लीडर्स हैं। हमने जसलीन को अपने स्टूडियो में बुलाया है और आज जसलीन से इन तमाम मुद्दों पे बात होगी कि असल में सच्चाई है क्या। तो जसलीन, थैंक यू वेरी मच, बताइए क्या हुआ था। मैं तो बस मेट्रो स्टेशन से घर जा रही थी, तो रास्ते में वहाँ पे वो बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन है वो रोड, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रेड था, तो दिस पर्सन वॉज कमिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड पे आ रहे थे, तो वो क्रॉस करने ही वाले थे, तो एकदम मेरे से क्लोज होके निकले हिट करने वाले थे। तो मैंने बोला कि भैया क्या कर रहे हो, रेड लाइट है। तो इससे वो मतलब ऑफेंड हो गए शायद, और फिर बोलते तू कौन होती है मुझे बोलने वाली, और ऐसे फिर बाइक से उतरे, मेरी तरफ चलने लगे। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला कि मैं इनकी फ़ोटो ले लेती हूँ, तो फिर ये देख के वापस गए और बाइक पे बैठे और ऐसे पोज करने लगे, कहते ले मैं पोज कर रहा हूँ, ले फ़ोटो, देखता हूँ क्या करती है तू। तो मैंने तो ले ली फ़ोटो, फिर कहते ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चल आगे जनकपुरी तक छोड़ा हूँ। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली मुझे किसी भी लड़की को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कोई ऐसे सड़क पर ऐसे छेड़खानी ऐसे करे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा मुझे उनकी नंबर प्लेट का भी नंबर फ़ोटो लेना चाहिए, तो मैं उनके वापस गई, मैंने नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया और ऐसे ऐसे उन्होंने हिलाने की कोशिश की मैं ले ना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए तो मेरे पास आ गया नंबर, वो पिक्चर्स भी मैंने सबमिट कर दिए हैं, सब कुछ पुलिस के पास है। फिर कहते कि फिर जब मैं ले रही थी फ़ोटो, तो उन्होंने मुझे गाली निकाली और बोला कि अब तूने फ़ोटो ले ली है ना, अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरा, तू कंप्लेंट करके तो दिखा, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे थ्रेटन भी किया, तो मैं मतलब उस इंसान से और कोई बहस करने से अच्छा मुझे लगा कि यस मुझे कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो मैंने उसी वक्त फिर 100 नंबर को फ़ोन मिलाया, वो इंसान सीधा निकल गया फ्लाईओवर के ऊपर से, जबकि आज वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे तो लेफ्ट जाना था, जबकि उस फोटो में लेफ़्ट का रास्ता एकदम क्लियर है, लेकिन फिर भी वो सामने गए। तो फिर मैंने 100 नंबर को बुलाया, PCR आ गई, कंप्लेंट लॉज हो गई, और फिर उसके बाद तो आपको मतलब टर्न ऑफ इवेंट्स पता है। लेकिन जसलीन, जो बाद में सरबजीत जो लड़का है इसमें, सरबजीत और उसकी माँ का जो बयान है, वो ये कह रहे थे कि जसलीन वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी, क्या सच्चाई क्या है? सर देखिए, पॉइंट मुझे यही बात से सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि बात ये नहीं है कि मैं वहाँ पे क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही। पहली बात तो मैंने आपको बताया, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि भैया रेड लाइट है क्या कर रहे हो। तो अगर मैंने किसी इंसान को बोलता भैया रेड लाइट है क्या करो, या कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न है, डज इट गिव हिम अ राइट टू अब्यूज मी, डज इट गिव हिम अ राइट टू थ्रेटन मी कि तू कंप्लेंट करके दिखा फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो मेरी कंप्लेंट इस चीज़ की नहीं है कि मैं वहाँ पे क्या कर रही थी या ये इंसान वहाँ क्यों आया, मेरी कंप्लेंट इस चीज़ की है कि उस इंसान ने मुझसे बदतमीजी की, उस इंसान ने मुझे गाली निकाली और छेड़खानी की, तो मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं। और एक चीज़ और ये कहा गया कि जो दूसरे दिन उसकी माँ का जो बयान आया था, वो ये था कि जसलीन कौर के चूँकि आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शंस हैं, इसकी वजह से शायद स्वाति मालीवाल भी बहुत क्विकली रिएक्ट उन्होंने किया, और दूसरे जो लीडर्स हैं उनका सपोर्ट मिला ये, तो ये किस हद तक सही है? देखिए ऐसी पहली बात तो जब पहले दिन ही केस सामने आया था, नेगेटिव रुख तो तब आया जब उसको वो अरेस्ट हुआ, फिर उसको बेल मिली। पहले दिन तो हर जगह न्यूज़ चैनल पे यही था ब्रेवार्ड जसलीन। तो बीइंग द चीफ ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, उन्होंने मुझे न्यूज़ चैनल पे ही बोला कि जसलीन आई वुड लाइक टू मीट यू एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, विच इज़ फेयर एनफ। एंड सिर्फ स्वाति मलिवाली की उन चीज़ को क्यों आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? ऐसे तो अब दिल्ली पुलिस ने भी बोला है कि 5,000 का रिवॉर्ड हम जसलीन को दे रहे हैं, तो फिर मतलब इसको अब दिल्ली पुलिस को भी आप क्या पोलिटिसाइज करेंगे?
तो ये मुझे बहुत बेसलेस व्हाई पीपल आर बिट स्केप्टिकल अबाउट यू नो सेट ऑफ सच एलिगेशंस बिकॉज़ रोहतक का हमने देखा था कि किस तरह से हुआ था, पूरी कंट्री पागल हो गई थी. बाद में पता चला कि वो ना सिर्फ एक, उसके पहले भी बहुत सारे उसने इस तरह के फर्जी क्लेम्स किए थे. सो यू अप्रिशिएट व्हाई पीपल डू दैट. आई मीन वो एक डाउट होना तो बहुत ही नेचुरल है, राइट? बिल्कुल सर, लाजमी है. और मैं ये नहीं कह रही, पहली बात तो लेट्स नॉट जनरलाइज. ज़रूरी नहीं है कि एक, अगर एक केस फॉल्स निकला तो आपको पता होगा अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं कि 10 केस ईव टीजिंग के ट्रू भी होते हैं. एक फॉल्स है तो 10 ट्रू भी होते हैं. तो इसीलिए मैंने वहाँ पे मैंने कोई पब्लिक ट्रायल नहीं बिठाया या फिर मैंने उसी वक्त उस लड़के को थप्पड़ मार के पीटना नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम में बिलीव करती हूँ. और इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट की. पुलिस कंप्लेंट करने का मतलब कि आई वांट कि मेरा पक्ष भी रखा जाए, उस लड़के का पक्ष भी रखा जाए और फिर कोर्ट डिसाइड करे कि कौन सही है कौन गलत है. अगर दोनों, अगर मैं खुद चाहती हूँ कि दोनों अपना पक्ष रखें तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है. और जो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मैं सच है या झूठ है. उसमें जो एक बात जो आई बाद में, और मैं भी उस वीडियो भी दिखाऊंगा कि उसकी जो इंटरव्यूज टीवी पे हुआ, बहुत सारे डिबेट्स में आप लोगों ने एक साथ हिस्सा भी लिया, उसमें जो एक ये दिखाया गया कि अगर इंसाफ चाहिए था और पुलिस से आपने कॉन्टैक्ट कर लिया था तो फेसबुक पे नेम और शेम करने की क्या जरूरत थी? चूंकि अगर ये गलत साबित हो जाता है तो वो उसकी इज्जत तो चली गई हमेशा के लिए. सर देखिए, मैंने फेसबुक पे इसलिए शेयर किया था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस इंसान ने मुझे थ्रेटन किया था, तो मेरे लिए, क्योंकि सिंस अब मुझे नहीं पता वो मेरे एरिया का ही था या नहीं था, वो सब उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि तू कंप्लेंट कर फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरा. जब एक लड़की को ऐसा थ्रेट मिल जाता है तो वो चाहती है कि उस चीज़ पे इमीडिएट एक्शन हो, और अगर इमीडिएट एक्शन नहीं तो उस इंसान को जल्दी से पकड़ा जाए. इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे करा था शेयर, यस आई अग्री, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कोई ट्रायल नहीं बिठाया था. मैंने सिर्फ जो मेरे साथ हुआ नरेशन ऑफ इवेंट्स मैंने नरेट किया था. अब जो मेरा स्टेटस पढ़ रहा है और अगर वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उन्हें पूरा हक है डिसाइड करने का कि वो उन्हें मैं सही लगती हूँ या गलत. सही लगती हूँ तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर आपको मैं गलत लगती हूँ आप शेयर मत कीजिए. लेकिन अगर आपको मैं गलत लगती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बोले कि ये तो ये है ये तो वो है. बहुत कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसने मुझे और मेरे परिवार को दुख पहुंचा है. मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे क्या क्या बोला जा रहा है जो कि बहुत ही शर्मनाक है. मैंने कोई पब्लिक ट्रायल नहीं बिठाया, मैंने पहले बकायदा पुलिस कंप्लेंट की है, सोशल मीडिया में दिया. हाँ तभी वो वायरल हुआ, तभी मतलब फिर मतलब उसके बाद पुलिस एक्शन भी हुआ, ये सब हुआ. तो बस अपनी सेफ्टी के लिए बेसिकली मैंने किया, बिकॉज आई वॉज इनसिक्योर. उस इंसान ने मुझे थ्रेट दिया था. और सिर्फ वो ही नहीं सर, अभी न्यूज़ नेशन चैनल पर परसों हमारा इंटरव्यू हुआ था, वही सामने सामने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई थी उन्होंने. उन्होंने जब न्यूज़ नेशन चैनल पर लाइव चैनल पर उन्होंने मुझे बोला, धमकी दी फिर से कि जी फोटो एडिट करनी तो मुझे भी आती है, वो तो मैं भी कर सकता था. तो अगर कोई इंसान लाइव नेशनल टेलीविजन पर सर ऐसा थ्रेट दे सकता है जिसके बाद मेरे परिवार वाले और भी डर गए, तो आप सोच सकते हैं कि उस बीच सड़क पर उसने क्या थ्रेट दिया होगा और उस इंसान वो इंसान कहाँ तक गिरा होगा. सर ये टीवी चैनल के का आपने जिक्र किया, वो ये देखिए ये इंटरव्यू ये आपने देखा था, ये इंटरव्यू जिसमें सरबजीत अपना डिफेंस दे रहा है. ये पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन होते हैं, मुझे ये बोलने लगे मैंने बदतमीजी. बिल्कुल मैं होती हूँ, क्योंकि उसके पास एविडेंस है. उसने पुलिस के, आपको लगता है पुलिस के पास जाना इतना आसान है? वो जाके एविडेंस देती है, वो जाके उन्होंने सिर्फ फोटो क्लिक की है. हाँ. उसमें उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने उसको अब्यूज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ. सरब जी कोई मजाक में फोटो नहीं खींचता, आपको लगता है इतना आसान है कि मजाक में अपना वो फोटो डालेगी? वो आपको जानती नहीं है, क्लियरली आपने बदतमीजी की, उसने फोटो लगाई और अब आप कह रहे हैं वीडियो भी चाहिए आपको. एक तो एविडेंस है, अगर सोचिए फोटो नहीं भी होती फिर तो बिल्कुल कभी पता नहीं लगता कि आपने उनको परेशान करने की. ठीक है, मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने उनसे पंगे, मैं उनको छेड़छाड़ भी कर ली, उनको अब्यूज भी कर दिया, फिर भी बैठ के मैंने फोटो भी क्लिक करवा ली. लो मेरी फोटो क्लिक कर लो. वही तो आपकी एरोगेंस है, क्योंकि आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है. एक तो उस लड़की ने कॉन्फिडेंस दिखाया, ऊपर से आप कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की लड़की हैं और आप अपना एजेंडा. आपको माफी मांगनी चाहिए सरबजीत इस पॉइंट पे ऑन कैमरा, यू शुड अपोलोजाइज. माफी मैं मांगता अगर मैंने गलती की होती तो. आप अभी भी मान के चल रहे कि आपने? मैंने गलती की नहीं मैम, जब मुझे लेफ्ट जाना था लेफ्ट पूरा खाली था, वो मेरे सामने क्यों आई? व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ दैट? इट वॉज नॉट इवन अ डिफेंस सर. मतलब लॉजिकली अब वो उनके डिफेंस क्या है? पहला ये जी वो तो आम आदमी पार्टी की एजेंट है. आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की आर यू एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी? सर आई एम इंस्पायर्ड बाई द आइडियोलॉजीज ऑफ द पार्टी. येस आई वॉलंटियर फॉर देम ड्यूरिंग दीज इलेक्शंस. मैं उन्हें सपोर्ट भी करती हूँ, पर ये उनका कोई डिफेंस नहीं है. मैं ये बोल रही हूँ
अगर ये लड़की आम आदमी पार्टी की है तो आप उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कीजिए, आप ये बोलना चाहते हैं? और अगर सर मुझे पॉलिटिकल माइलेज उठाना होता तो मैं डे वन से अपने इंटरव्यूज में आम आदमी पार्टी का नाम लेके ही चढ़ती। मैं ये बोलती कि मैं आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर हूँ, मेरे साथ छेड़खानी हुई है। मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं दिल्ली में रहने वाली एक 20 साल की लड़की हूँ, मेरे साथ छेड़खानी और मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें क्या गलत है सर, आप मुझे बताओ। व्हाट टाइम हैड इट हैपेंड? ये हुआ था अराउंड 8:30 के बीच की बात है। 8:10 पे मैंने FIR, हाँ मैंने पुलिस को फोन किया था, तो वही पुलिस स्टेशन वहाँ से बहुत करीब है, इट्स लेस देन आई थिंक 100 मीटर्स अवे। वहाँ पे हमने वो मैप भी दिखाया था उसका, वो हाँ 200 मीटर्स हो रही थी। हाँ उससे ये है कि आई मीन एट नो पॉइंट डिड यू फील स्केयर्ड कि रात का है, यू नो 20 ईयर ओल्ड और ये बंदा, आई मीन इज क्वाइट वेल बिल्ट राइट, है ना, वहां पे ये करना, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, आई मीन यू नो टू सेट अप गो एंड कन्फ्रंट हिम सर? बिकॉज़ अगर हम देखें तो ये ईव टीजिंग अभी भी, मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि छोटी सी बात थी, लोग कहते हैं ये तो रोज ही होता है दिल्ली में, होता रहता है, ये तो लड़कियों के साथ होता रहता है। लेकिन सर मैं पर्सनली, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं हमेशा इन चीज़ों को क्वेश्चन करती हूँ और मैं बोलती हूँ अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो रोज़ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है इट शुड स्टॉप। ज़्यादातर लड़कियाँ सर अगर आप देखें तो आई वुड से मोर देन 85% ऑफ ईव टीजिंग केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड, क्योंकि वो उनको सीरियस ऑफेंस नहीं मानते हैं। लड़कियाँ बोलती हैं अरे छोड़ो यार वो बोल रहा है, मैं घर जाती हूँ, कौन पुलिस के चक्कर लगाए, कौन, अब हैसल तो मेरे लिए है, मैं पुलिस के चक्कर लगाऊँ, मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊँ, मैं अपना फ़ोन सबमिट करूँ, एविडेंस दूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए हासिल है, मैं 3 दिन कॉलेज नहीं गई, वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि मेरे लिए इट्स अ बिगर इशू, चाहे मुझे कितनी भी हासिल उठानी पड़े, बिगर इशू ये है कि लड़कियों के साथ ईव टीजिंग होती है। ये लोग बिना डरे, उस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने बोला चल चल ले ले फोटो, क्या कर लेगी। अगर उसमें ज़रा सा भी डर होता सर, उसने अगर करी भी हरकत वो अपना मुँह छुपाता, वो वहाँ से भागता, उसमें डर ही नहीं है। बिना डर के उसने मुझे नेशनल टेलीविजन पे सर धमकी दे दी। तो लड़कियों को ये बताना, उस पोस्ट के थ्रू लड़कियों को ये पता लगा कि मेरे या फिर मेरी स्टोरी के थ्रू लड़कियों को ये पता लगा कि सिस्टम है, पुलिस है। आप पुलिस की तरफ सिनिकल मत होइए, ये मत बोलिए कि पुलिस तो बस थाने के चक्कर लगवाएगी। नहीं, पुलिस, मैंने PCR को कॉल किया, PCR आई, उन्होंने कंप्लेंट ली। तो अगर सिस्टम है, ईव टीजिंग के खिलाफ लॉ भी है, तो आप प्लीज उसका यूज कीजिए इस चीज को सर। चाहे मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे को लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर मेरे इस स्टेप से 10 दिन के लिए भी लड़के सड़क पर ऐसी हरकतें करने से रुकेंगे तो मैं सोचूंगी कि मैं सक्सेसफुल होगी, चाहे मुझे कुछ भी फेस करना पड़े। अब आई जस्ट यू नो कांट इमेजिन के कुछ भी हो सकता था राइट, 8:30 में अगर शाम में दिल्ली में अगर एक 20 साल की लड़की कन्फ्रंट कर रही है, you know, 3 times larger than you, you know, in size, you know, anything could have happened, right? Would you still do it if you have, God forbid, if you are faced in a similar situation, would you still confront? Yes, sir, definitely. In fact, this incident has, though it has made me cry and it has made me वेरी इमोशनल, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ पब्लिक स्लैंडरिंग कैरेक्टर मेरे। आज मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ा, किसी इंसान ने लिखा है अब इस लड़की से शादी कौन करेगा, मतलब ऐसे कॉमेंट्स लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन दिस इंसिडेंट हैज़ गिवन मी इमेंस मॉरल स्ट्रेंथ, और मैं मॉरली और मैं इतनी ज़्यादा अब मच्योर हो गई हूँ कि हाँ मुझे समझ आ गया है कि हाँ मेरी लाइफ से ज़्यादा, मेरे हैसल्स से ज़्यादा और मेरे पर्सनल इंसिडेंट से ज़्यादा भी बड़ा एक इशू है, बड़ा एक ईविल है। आज उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक लड़की की हिम्मत कैसे हो गई खड़े होकर आवाज़ उठाने की, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मुझे बोलना है कि आपको पता है लोग ये कह रहे हैं क्योंकि सिंस मैं अपने इंटरव्यूज़ में आज तक डिफेंसिव रही हूँ, अग्रेसिव रही हूँ, मुझे बोला गया मुँह छुपाओ, मैंने मुँह भी नहीं छुपाया, क्यों छुपाऊँ मैं मुँह, मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। तो लोग कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये लड़की तो बड़ी तेज़ लगती है, मैं कहती हूँ लड़कियाँ क्यों ना हो तेज़, मेरा मानना है लड़कियों को तेज़ होना चाहिए, अगर खड़ा हो इस देश में अपने हक के लिए खड़ा होना है तो हाँ हो लड़कियाँ तेज़। मैं तो हर लड़की को बोलूँगी बहुत तेज़ होना चाहिए आपको, आपके साथ इतनी सी भी कोई अगर ज्यादती हो रही है तो ज़रूर बोलिए, ज़रूर आवाज़ उठाइए और डरिए मत, ज़रूर आवाज़ उठाइए। लास्ट में सर देखिए, ना मीडिया ने डिसाइड करना है, ना जो सोशल मीडिया पे लोग लगे हैं उन्होंने डिसाइड करना है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मेरा आई हैव इमेंस फेथ इन द दिल्ली पुलिस कि वो पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे, आई हैव इमेंस फेथ इन द इंडियन जुडिशरी कि जो सच बोल रहा है, मैं ये भी नहीं बोल रही मैं सच बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ
वो सच बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, जो सच बोल रहा है कोर्ट डिसाइड करेगा और एकदम सही निष्पक्ष जो है रिजल्ट आएगा. आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो यू सेड योर कॉलेज इज अफेक्टेड, यू हैवंट बीन टू कॉलेज फॉर लास्ट 3 डेज. व्हेन आर यू गोना सी कि लाइफ में कुछ नॉर्मलसी आए और नॉर्मल लाइफ कब रिज्यूम होगी? आज गई थी मैं कॉलेज, तो मतलब हाँ सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या रिएक्शन था लोगों का, यही मतलब कुछ वर दे सपोर्टिव और वर दे काइंड ऑफ, हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि हुआ क्या था, दे वर स्पेक्युलेटिव. इनफैक्ट मुझे इस चीज से तो खुशी होती है कि लोग चाहते हैं कि हमको दोनों पक्ष सुनिए, जरूर सुनिए जी, लेकिन ये है कि मुझे गाली गलोच मत कीजिए, ये सब मत कीजिए. और इनफैक्ट मेरे प्रोफेसर ने तो इनफैक्ट मुझे बहुत अप्रिशिएट करा. मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला, जसलीन नो मैटर व्हाट एनीवन सेज आई एम प्राउड ऑफ यू, और उन्होंने क्लास में मेरी क्लैपिंग करवाई. तो फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? फ्रेंड्स हैव बीन रियली सपोर्टिव. कुछ दोस्त मतलब बहुत ही अच्छे. मेरी एक फ्रेंड है जो दो दिन से मेरे घर पे रह रही है, क्योंकि मैं इतनी सर इस चीज़ से इफेक्ट हो चुकी हूँ ना, स्पेशली मीडिया में जब से नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही है. मैं आई एम सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन रात को कभी कभी मैं रात को उठ जाती हूँ एकदम से, क्योंकि मुझे भयानक सपने आते हैं इस इंसान से रिलेटेड, इस मतलब जो भी उन्होंने मेरे आसपास झूठा बनाया है, झूठी चीज़ें. मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुख हो रहा है सर, कि एक जो सोशल मैसेज इस चीज़ से जाना चाहिए था ना, सिंस उनके पास डिफेंस नहीं है, वो उस चीज़ को पॉलिटिकल बना रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डिविएट कर रहे हैं. जो सेक्शंस उस इंसान पे लगे हैं वो ईव टीजिंग के हैं या फिर वो थ्रेटनिंग के हैं, वो इस चीज़ के नहीं है कि मैं जसलीन वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी, जसलीन आम आदमी पार्टी की है, जसलीन लंच में क्या खाती है, डिनर में क्या खाती है, कौन से कॉलेज से जाती है. नहीं, इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए सर. मैं कहीं की भी हूँ, मैं कहीं भी काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, किसी भी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मुझे अपने साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है और मैं उसके खिलाफ अंत तक लड़ूंगी बस.